हाल ही में फेमस हुई यूपी की रिवॉल्वर रानी आगरा की महिला कांस्टेबल प्रियंका मिश्रा अपने एक वीडियो को लेकर काफी चर्चाओं में हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से वह काफी ट्रोल हो रही हैं। लोगों के भद्दे भद्दे कमेंट और तमाम तरह की बातों से परेशान होकर महिला कांस्टेबल प्रियंका मिश्रा ने नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया है। प्रियंका मिश्रा ने इंस्टाग्राम पर अपना एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह भावुक होकर अपनी नौकरी छोड़ने की बात कहती नजर आईं। महिला कांस्टेबल ने कहा, मेरा एक वीडियो काफी वायरल हुआ है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अब लोग YouTube और Instagram पर मुझे ट्रोल कर रहे हैं। प्लीज वो ऐसा ना करें। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। राधे राधे, मैं प्रियंका मिश्रा। सबको पता है कि मेरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और अब तो लोग जो है यूट्यूब पे, इंस्टा पे मेरी वीडियो अपने अकाउंट में या पोस्ट कर रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा मुझे ट्रॉल कर रहे हैं। प्लीज़ ना करें, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और ना परेशान करें। और सब कह रहे हैं मैंने बहुत ज़्यादा अभद्रता की है, अपराध कर दिया है, इतना बड़ा क्राइम कर दिया है मैंने, और जॉब से निकाल देना चाहिए, भर्ती उतरवा लेनी चाहिए। अगर सच में ऐसा लगता है तो मैं अपनी मर्जी से जॉब छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं जॉब छोड़ लूँगी, और जिन लोगों को भी मुझसे प्रॉब्लम है मैं जॉब छोड़ दूँगी, लेकिन मुझे ट्रॉल ना करें प्लीज़। बता दें, महिला कांस्टेबल प्रियंका मिश्रा अभी आगरा में तैनात हैं और हाल ही में रदी पहने हुए प्रियंका मिश्रा ने हाथ में रिवॉल्वर लेकर एक वीडियो बनाया था। यह वीडियो रंगबाजी को लेकर था, जिसमें बोला गया कि उत्तर प्रदेश में 5-5 साल के लड़के कट्टा चलाते हैं। प्रियंका मिश्रा ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो को अपलोड किया था, जो बाद में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया था। News Desk.